बच्चे ही सही मायने में भावी राष्ट्र निर्माता हैं। उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा बड़े ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। बचपन में जो सीखते हैं वो जीवन भर काम आता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने साइंस कॉलेज परिसर स्थित ऑडिटोरियम में बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने बच्चों से कहा कि खेल और पढ़ाई दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग खूब पढ़िए, खूब खेलिए और समय का सदुपयोग करिए। कार्यक्रम की खास बात रही कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पूरे कार्यक्रम का संचालन स्कूली बच्चों द्वारा ही किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्कूली बच्चों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सुघर परवैया और लयका मन के गोट पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, छत्तीसगढ़ी नृत्य एवं गीत तथा कराटे का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चार प्रतिभाशाली बच्चों राकेश कुमार, संजना बांधे, दीपिका ठाकुर तथा विद्या राजपूत को सम्मानित भी किया। छात्र छात्राएं सब जगह जय जोहार, आवाज नहीं आती, जय जोहार, नमस्कार, कैसे हैं आप? मजा है कार्यक्रम में? बच्चों को बहुत सुंदर कार्यक्रम, जहां फिल्मी गीत में जो राष्ट्रीय भावना है उसको भी बच्चों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। उनके बैंड के लिए जोरदार ताली। और छत्तीसगढ़ी गीत को लेकर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। महासमुंद के बच्चों ने भी बहुत सुंदर शानदार कार्यक्रम दिया और एक जने तो जमारा गीत में उधर चढ़ भी गया था। कोई अभी ठीक है? चार जने चढ़ गए थे और बहुत शानदार प्रदर्शनी आप लोगों ने लगाया। शिक्षा विभाग के हमारे स्कूल के बच्चों ने, सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। उसके लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही ध्यान पूर्वक हम सबको करना चाहिए। यही वो समय है जिसमें बच्चे सीखते हैं और जो स्कूल में सीखते हैं, घर में, परिवार के बीच में जो सीखते, वही जीवन भर काम आता है। इसलिए जितना आप ज्यादा ज्यादा सीख लें, जितना ज्यादा ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लें, वो जीवन भर आपका काम आएगा। मैं बच्चों को केवल इतना कहना चाहता हूं, खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो, क्योंकि यदि केवल पढ़ाई पढ़ाई करते रहे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, केवल खेलते खेलते रह जाएंगे तो पढ़ाई पिछड़ जाएगी। इसलिए दोनों बहुत जरूरी है और आपके पास समय है, उसका सदुपयोग आपको करना है। प्रातःकाल उठकर पढ़ाई करें, घर में माता पिता का सहयोग करें, स्कूल जाएं, शाम को आए या सुबह भी खेलें, शाम को थोड़ा सा खेलें। सुबह शाम दोनों समय आपको खेल के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन खेल के लिए समय निश्चित करें। चाहे दौड़ें, दोस्तों के साथ कबड्डी खेलें, बैडमिंटन खेलें, खो खो खेलें, कुगड़ी खेलें। अच्छा, आजकल हम लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की, कितने बच्चे भाग लिए उसमें? अच्छा, पीछे से हाथ उठ रहा, आगे वाले नहीं भाग लिए? इधर भी चलो, मजा आया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में? तो खेल खेलना जरूरी है ताकि आपका शरीर मजबूत रहे। उसी प्रकार से एक
मंत्र आपको दे रहा हूं, उस मंत्र को आप याद रखें। मंत्र ये है, ये जानना जरूरी है और इसमें नियंत्रण रखना जरूरी है, मुंह में क्या डाल रहे हैं और मुंह से क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब समझे आप। मतलब मुंह में डालने का मतलब ये भोजन आप क्या कर रहे हैं उसमें आपका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, मुंह से निकाल क्या रहे हैं, मतलब बोल क्या रहे हैं। यदि आप मुंह से अब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके प्रति भी सामने वाला अब शब्द का प्रयोग करेगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो जाए, तनाव में आ जाए, इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसलिए मुंह में क्या डालना है और मुंह से क्या निकालना है, ये दोनों बातों को यदि आपने साध लिया तो जीवन में कभी आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। आज चाचा नेहरू की जयंती और उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया, प्रथम पंक्ति के हमारे सेनानी रहे, 10 साल उन्होंने जवानी के जेल में बिताए, देश आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की, जिसमें पंचशील, पंचवर्षीय योजना, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। ये भिलाई स्टील प्लांट उनका देन है, बड़े बड़े बांध उनके देन हैं। तो औद्योगिक क्रांति, शिक्षा की क्रांति उन्होंने की और जिसमें देश आज तरक्की किया। तो ऐसे ही चाचा नेहरू को हम याद करते हैं और साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसलिए आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात लग जाएं। जब तक के लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक के आप शांत न बैठें, ये विवेकानंद जी ने कहा था। तो इससे आप का जीवन सफल होगा बल्कि देश और प्रदेश को आप पर नाज होगा, आपके घर होगा। राजा के साथियों, इस अवसर पर आज शिक्षा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें 2 पुस्तक का विमोचन भी कराया गया है, सुघर पढ़वैया और लइका मन के गोठ, दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। सुघर पढ़वैया मतलब हमारे शिक्षक मन बड़े प्रमाणीकरण के बड़े पुस्तक और लइका मन के गोठ, ये छात्र छात्रा मन पर ये आज पुस्तक के विमोचन और दोनों हमारे पर महत्वपूर्ण। हमारे लइका मन पर पढ़े का अच्छा से अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षक की व्यवस्था होना चाहिए, एक वातावरण बनना चाहिए, हॉस्टल के भी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए। और निरंतर कोरोना काल में भी हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारे नवाचार किए गए, अवकर से छात्र छात्रा में लाभ उठाए, पालक में शिक्षक में सब लाभ उठाए, जिक्र चर्चा पूरा देश भर में हो। आज के अवसर में आप सब, चूँकि अब नवम्बर के महीना और बाद अब दिसंबर जनवरी फरवरी और परीक्षा के समय, खूब मन लगा के पढ़ो और अच्छा अंक से परीक्षा पास करो। यही शुभकामना के साथ आप सब शिक्षक दिवस के अवसर में ढेर सारे बधाई और शुभकामना देते हुए अपन हरी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बोले छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की।
For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.